हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे बैंक निफ्टी के ऊपर, बात करेंगे निफ्टी के ऊपर किस तरीके से मार्केट के अंदर मूवमेंट हो सकती है, किस तरीके से मार्केट चल सकता है, इस वीक मार्केट के अंदर क्या रह सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पिछले 4 वीक पहले मार्केट के अंदर टॉप में जाकर के एक शूटिंग स्टार कैंडल देखने को मिली। उसके बाद में मार्केट के अंदर लगातार हमें गिरावट देखने को मिली। मार्केट ने टॉप बनाया था 53,500 का बैंक निफ्टी के अंदर 4 वीक पहले, लगभग लगभग आपके जून जून के लास्ट के दौरान। उसके बाद में मार्केट ने यहाँ से फोल दिया हमें और मार्केट लो लगाता है 50,500 के करीब का, लगभग लगभग 3,000 पॉइंट की हमें गिरावट देखने को मिली। ठीक है, इस चीजों को हमने पहले भी 15 मिनट के ऊपर और कई एनालिस्ट वीडियो के अंदर समझा था। अब हमारे सामने इस वीक के अंदर ऐसे कौन से लेवल होंगे जिसके बाद में हम ये सोच सकते हैं कि मार्केट यहाँ से अपसाइड की एक अच्छी खासी और डाउन साइड की एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें दे सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका ये वाला लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो लेवल है अपसाइड के लिए 52,175 का। अपसाइड की तरफ का आपका ये लेवल है, इसके बाद में मार्केट हमें अपसाइड की अच्छी खासी मूवमेंट दिखा सकता है। डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड की तरफ हमारा जो एक इंपोर्टेंट लेवल हो जाता है वो हो जाता है 50,500 का एक साइकोलॉजिक लेवल। ठीक है, 52,175 के ऊपर की क्लोजिंग हमें अपसाइड की मूवमेंट दिखाएगी। 50,500 के नीचे की डे की क्लोजिंग ध्यान रखना, हमें 1 डे की क्लोजिंग चाहिए, उसके बाद में मार्केट के अंदर और फॉल आ सकता है, ऐसा देखने को मिल सकता है। ठीक है, बात कर लेते हैं कि वीकली चार्ट के ऊपर मार्केट के अंदर हमें डाउन साइड की तरफ एक चैनल देखने को मिल रही है और इस चैनल का ये वाला लेवल है इम्पोर्टेंट। ये वाला लेवल हमें इम्पोर्टेंट देखने को मिल रहा है। ठीक, मार्केट बार 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 इसी एक इम्पोर्टेंट चैनल का सहारा ले रहा है और मार्केट यहीं से अपसाइड की तरफ, डाउन साइड की तरफ, अपसाइड डाउन साइड होता हुआ आ रहा है। ठीक है, और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये वाला लेवल। इस लेवल का विशेषकर आपको ध्यान रखना है, जब भी मार्केट इस लेवल के आसपास आएगा यहां से हमें और एक फॉल देखने को मिल सकता है, जो लेवल है 50,000 का साइकोलॉजिक लेवल। बात कर लेते हैं 15 मिनट के ऊपर की वीकली किस तरीके से मार्केट हमें मूवमेंट दिखा सकता है। ठीक है, कल हमने बात की थी मार्केट के अंदर और मैंने टाइम के अकॉर्डिंग आपको कहा था कि टाइम के अकॉर्डिंग हमें मार्केट के अंदर कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है। देखिए, मार्केट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो है टाइम। टाइम किस तरीके से इंपॉर्टेंट है इस मार्केट के अंदर, अगर आप बिना वक्त के, देखिए इसमें मूवमेंट का एक टाइम होता है, मूवमेंट का एक टाइम होता है, और वो टाइम कब पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, जैसे कि कल मैंने आपसे कहा था, हालांकि हमारी कैलकुलेशन फेल हो गई, हम ये सोच रहे थे कि मार्केट 1:30 बजे तक मार्केट इस लेवल के आसपास पहुंच जाए तो हमें मार्केट के अंदर और अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। जो लेवल था 51,400 और मार्केट एंड में यहाँ जाता है, एंड में यहाँ जाता है, ये कैलकुलेशन फेल हुई थी हमारी HDFC बैंक की वजह से, और दूसरी वजह थी हमारे पास निफ्टी, वो कैसे थी उसको भी आगे समझेंगे। अब हमारे पास इंट्राडे मंडे के दिन क्या लेवल रह सकते हैं, तो आपके पास इंट्राडे लेवल है ये वाला। ये लेवल अगर अपसाइड की तरफ ब्रेक होता है, मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन होता है, तो उसके बाद में हमें मार्केट के अंदर और अपसाइड की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। जो लेवल है हमारा अपसाइड की तरफ 51,500 का साइकोलॉजिक लेवल, 51,500 का साइकोलॉजिक लेवल। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन होता है तो उसके बाद में हमें मार्केट के अंदर अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। लेवल इंपॉर्टेंट याद कर लेना 51,564। इस लेवल के अंदर 15 मिनट के अंदर कैंडल सस्टेन होती है, उसके बाद हमें सोचना कि मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ जा सकता है, वरना मैं क्या सोच रहा हूँ कि मार्केट यहाँ जाए और जाने के बाद यहाँ वक्त बिताए, वक्त बिताने के बाद वापिस अगर मार्केट इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक कर दे, लेवल है 51,170, तो फिर अगेन मार्केट डाउन साइड की तरफ 51,000, और उसके बाद में यह रेंज बना करके वापस अगर मार्केट खोल देता है तो फिर 51,800, 50,800 और 50,600 की मूवमेंट हमें डाउन साइड की तरफ दिखा सकता है। बात कर लेते हैं निफ्टी की, कि निफ्टी के अंदर क्या रह सकता है, निफ्टी के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। तो निफ्टी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, निफ्टी आपके टॉप पर जाके खड़ी हो चुकी है पिछले वीक के हाई के आसपास। पिछले वीक के दौरान जब मार्केट ने हाई बनाया था
उस वीक के आसपास उस लेवल के आसपास जाके खड़ी हो चुकी है। लेवल था 24,800। अब हमें क्या देखने को मिल सकता है, तो हमारे सामने जो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा एक इनविजिबल लेवल, क्योंकि निफ्टी आज से पहले उस लेवल पर कभी गई नहीं है। तो इम्पोर्टेंट लेवल है 25,266-66। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है और इस रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन होने के बाद ही मार्केट अपसाइड की तरफ जा सकता है। डाउन साइड की तरफ हमारे पास एक लेवल आ जाता है, जो लेवल है 24,600। ये आपके लिए वीकली लेवल रहने वाले हैं 25,266 और अपसाइड डाउन साइड की तरफ 24,600। ये एक 800 पॉइंट की रेंज है लगभग लगभग। इस रेंज के अंदर अगर निफ्टी घूमती है तो एक स्कैल्पिंग, इसके अलावा अगर इन दोनों लेवल्स के ऊपर सस्टेन होती है तो फिर हमें आने वाले टाइम में एक अच्छी ऐसी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। बात कर लेते हैं वीक 15 मिनट के ऊपर की। 15 मिनट के अंदर हमें क्या देखने को मिल सकता है, 15 मिनट के अंदर हमें मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिल सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मार्केट के अंदर, कल मैंने आपको कहा था, अगर आपने सुना होगा तो मैंने आपसे कहा था कि मार्केट के अंदर कुछ इस तरीके की मूवमेंट रह सकती है। 24,466 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होता है तो उसके बाद में हमें मार्केट 24,600 तक मूवमेंट दिखा सकता है। 600 हमारा पुराना एक इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर वो ब्रेक होता है तो उसके बाद में मार्केट फायर हो जाएगा और मार्केट हमारा यहाँ से फायर हो जाता है, यहाँ पर एक रेंज क्रिएट करता है। ये देखिए रेंज, ये टाइम था 12 बजे के आसपास का जब मार्केट आपका फायर होता है। टेलीग्राम पर एक ऑडियो पड़ा हुआ है, लगभग लगभग 10:30 बजे तक मार्केट यहाँ पहुंच गया था, 10:30-11 बजे तक मार्केट यहाँ पहुंच गया था और आपके मैसेज आ रहे थे कि सर अब निफ्टी में क्या हो सकता है। उस ऑडियो के अंदर मैंने आपसे कहा था कि ठहरिए रुकिए, अभी निफ्टी चाय नाश्ता करेगी और उसके बाद में जैसे ही मार्केट थोड़ी देर वेट करता उसके बाद में मार्केट हमें एक फायर मूवमेंट दिखाता है। तो ये रेंज वाला क्या सिस्टम है, देखिए मार्केट कभी एक साथ मूवमेंट नहीं करता है। अगर मार्केट के अंदर लगातार इस तरीके से मूवमेंट हो रही है, इस तरीके से अगर लगातार मार्केट अपसाइड की तरफ जा रहा है तो कभी भी मार्केट ट्रैप कर सकता है, कभी भी मार्केट ट्रैप कर सकता है। और मार्केट के अंदर एक कहानी और समझिए कि मार्केट के अंदर मार्केट इस तरीके से चलता है, एक प्राइज एक्शन बनाता हुआ मार्केट चलेगा, ठीक है। अगर ये नहीं बनेगा तो अपसाइड अगर मार्केट जा रहा है तो न्यू बायर मार्केट के अंदर एंट्री नहीं लेंगे। सबको डर लगता है 50 का प्रीमियम हम देख रहे हैं 300 के ऊपर और वो बढ़ता ही जा रहा है, तो हम एंट्री नहीं लेंगे, हम एंट्री नहीं लेंगे। ये प्रीमियम अगर नीचे की तरफ 200-250 के आसपास आएगा तो उसके बाद में सोचा जा सकता है, पर एक 50 रुपए का प्रीमियम अगर 300-350-400 हाई लगाता हुआ जा रहा है तो हर कोई एंट्री नहीं लेता, क्योंकि उसमें एक डर रहता है कि कब मार्केट हमें एक डाउन साइड का झटका दिखा दे। बट मार्केट के अंदर क्या हुआ, मार्केट आपका अपसाइड की तरफ जाता है, उसके बाद में एक रेंज क्रिएट करता है, रेंज क्रिएट करने के बाद फिर मार्केट अपसाइड की तरफ जाता है, फिर एक रेंज, फिर मार्केट के अंदर एक मूवमेंट हमें देखने को मिलती। बात कर लेते हैं मंडे के दिन की, मंडे को क्या हो सकता है, तो इम्पोर्टेंट लेवल नोट कीजिए 24,948 का लेवल है। इस लेवल के बाद में मार्केट हमें दिखा सकता है 25,000 का साइकोलॉजिक लेवल और उसके बाद है 25,080 का लेवल। ये मूवमेंट हमें अपसाइड की तरफ मंडे के दिन देखने को मिल सकती है अगर मार्केट हमारे लेवल के ऊपर सस्टेन होता है। बाकी शॉर्ट करने के बारे में कब सोचेंगे तो केवल और केवल 24,700 को मार्केट वापस रीटेस्ट करता है तो मैं यहाँ पर एक बार वापस निफ्टी को बाय करना पसंद करूंगा, वरना अगर मार्केट यहाँ रेंज बना करके डाउन साइड की तरफ खोल देता है 24,700 के बाद में 100 से लेकर के 120-130 पॉइंट की मूवमेंट, एक डाउन फॉल हमें मार्केट डाउन साइड की तरफ दिखा सकता है। ये बात हो गई आपकी। बात कर लेते हैं रिलायंस की। रिलायंस के ऊपर मैंने कल परसों के वीडियो के अंदर आपको कहा था कि रिलायंस के अंदर आपके 15 मिनट के चार्ट के ऊपर नीचे की तरफ से एक ट्रेड लाइन कुछ इस तरीके की बनी हुई है, रिलायंस इसको टच कर सकता है और रिलायंस ने वो किया। रिलायंस हमें हाई दिखाता है 3020 का और रिलायंस एक इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास खड़ा है, कई बार इसको टेस्ट कर चुका है, यहीं से मार्केट डाउन आया था, फिर टेस्ट विद अगेन फिर टेस्ट, फिर यही एक कप विद हैंडल पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। कप विद हैंडल पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, कप विद हैंडल पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है।
इसका ब्रेकआउट बड़ा जबरदस्त होगा, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं ये इसका इंपॉर्टेंट लेवल है 3000 के नीचे की अगर क्लोजिंग आती है तो इसके अंदर हाथ नहीं डालेंगे। बाकी अपसाइड की तरफ 3032 के ऊपर हमारी नजर रहेगी। इसके बाद में हमें एक अच्छा खासा मामला देखने को मिल सकता है। निफ्टी हम रिलायंस हमें दिखा सकता है 3068, उसके बाद में 3100 आने वाले टाइम के अंदर, और उसके बाद में 3166 के लेवल हमें अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं एचडीएफसी बैंक के अंदर। एचडीएफसी बैंक ने कल ओपनिंग हुई आपकी एचडीएफसी बैंक की डाउन साइड की तरफ, बट देखने वाली चीज थी 25 तारीख का इसने किसी भी हालत में लो ब्रेक नहीं किया। 25 तारीख का जो लो था, 26 तारीख को मार्केट ओपन होता है हमारा डाउन साइड की तरफ, बट 25 तारीख के लो को इसने ब्रेक नहीं किया और यहीं से एक सपोर्ट बना करके मार्केट आपका अपसाइड की तरफ उठ जाता है 1600 से 1620 के करीब का। तो एक अच्छी खासी मूवमेंट हम वेट करेंगे 1646 के लेवल का, ठीक है, और इसके ऊपर 1626 के बाद में अगर मार्केट सस्टेन होता है तो उसके बाद 1646 और उसके बाद 1682 और 1700 का तो हमारा 4 साल पुराना लेवल है तो उसके ऊपर तो नजर रखनी है। तो ये सारी बातें थी वीकली, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप नए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, बिल्कुल फ्री है, किसी प्रकार का चार्ज नहीं है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप किसी और टेलीग्राम पर जाकर के अगर ज्वाइन होते हो तो आप बिल्कुल फेक ग्रुप के अंदर जुड़ने वाले हो जो लोगों से हमारे नाम से पैसे मांगते हैं। जी, हम किसी भी तरीके से कोई पेमेंट प्राप्त नहीं करते हैं। हमारा केवल कोर्स है, ओनली ऑन एजुकेशन कोर्स, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। जहां पर भी केवल करोड़पति बनाने के सपने नहीं दिखाए जाते हैं, आपसे जॉब नहीं छुड़वाई जाती है, आपको केवल चार्ट रीडिंग करना सिखाया जाता है कि आप चार्ट को रीड करके अपने खुद के दम से मार्केट के अंदर ये देख सको, ये सोच सको कि अब मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट के अंदर किस तरीके के सेटअप बनते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेटअप क्या है। अगर मैं मेरी देसी भाषा के अंदर आपको बताऊं तो बारिश का मौसम चल रहा है और ये रास्ता है, इस रास्ते के अंदर भरा हुआ है पानी, ठीक है, और हमारे लिए बिल्कुल अनजान रास्ता है, हमारे लिए बिल्कुल अनजान रास्ता है, हम कभी नहीं गए यहां पर। जिस तरीके से मार्केट के अंदर हम रोज ट्रेड लेते हैं, हमें नहीं पता कि ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, एक हमारी सोच होती है कि ऐसा हो सकता है और 10 में से 9 बार हमारी सोच हमेशा रॉन्ग होती है। जब हम इस ऐसे पानी भरे हुए रास्ते के ऊपर चलते हैं तो डरते हैं, क्या पता कितना गहरा है, क्या पता कहां गड्ढा है, क्या पता कहां नाली है, गिर नहीं जाए। बट अगर आपको इसका पता होगा कि ये इस तरीके से इसके अंदर गड्ढे रह सकते हैं, इस तरीके से इसके अंदर नाली रह सकती है, अगर आपको इस रास्ते का, अनजान रास्ते का अगर मालूम होगा, आराम से इसको आप पार कर जाओगे। सेटअप ये वर्क करते हैं, सेटअप आपको मार्केट के अंदर आपका एंट्री पॉइंट बताता है कि मार्केट के अंदर मुझे घुसना कहाँ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एंट्री, मैं बता रहा हूं टाइम, यही वो टाइम, वरना बिना टाइम के आप मार्केट के अंदर घुस भी जाओगे, मार्केट इस तरीके से रेंज क्रिएट करेगा, आप सोच रहे होंगे मार्केट अपसाइड की तरफ जाएगा और इस तरीके से रेंज क्रिएट करके प्रीमियम डीके करके एक हल्की सी मूवमेंट डाउन साइड की तरफ कर देगा, आप मार्केट से एग्जिट हो जाओगे और उसके बाद में मार्केट अपसाइड, यही अक्सर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरी बात ये कि कई बार मार्केट के अंदर हमें पता नहीं रहता है कि आज हमें मार्केट के अंदर वर्क करना है या नहीं करना, क्योंकि ये मार्केट 22 दिन चलता है महीने के अंदर, और जो हमें असली मूवमेंट देखने को मिलती है वो केवल और केवल 6 से 7 दिन, बस ओनली ऑन 6 और 7 दिन हमें मूवमेंट देखने को मिलती है, जैसा कि मार्केट के अंदर हमने कल मूवमेंट देखी। इन मूवमेंट के लिए मार्केट के अंदर पेशेंस रखना पड़ता है, कब तक रखना है ये सबसे इंपॉर्टेंट, कब काम नहीं करना है। काम देखिए, मार्केट के अंदर ट्रेडर बर्बाद क्यों, क्योंकि हर रोज काम करके बर्बाद। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप हर रोज काम मत करो, करो, पर एक तरीका भी तो होना चाहिए ना कि रोज 2 लाख का फंड है डीमैट अकाउंट में, 2 लाख लगा के बैठ जाते हो जी। रोज 2 लाख नहीं लगाने होते हैं, रोज 2 लाख लगाने नहीं होते हैं, कब लगाने होते हैं उसका एक टाइम होता है।
मूवमेंट वाले दिन लगाओगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, मूवमेंट ही नहीं है और मार्केट रेंज में फंस गया उस दिन लगाएंगे तो प्रीमियम डीके के अंदर फंस जाएंगे, और उसके अंदर क्या होगा, एक बार लॉस हो गया एक ट्रेड में तो उसको फिर कवर करते फिरोगे और कवर के चक्कर में हम जीरो की तरफ आ जाते हैं, कुछ इस तरीके के मामले रहते हैं। तो फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, राम राम साहब।